वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, यहाँ पे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स आपको जाना चाहते हो ना कितना तैयार हो के सज धज के मैं कहाँ जा रही हूँ। आज पूरी फैमिली के साथ हम लोग निकल रहे हैं, मैं भी आपको चलूँगी वहाँ पे, आपको बताऊँगी और दिखाऊँगी भी, जहाँ के दर्शन आपको करके बहुत ज़्यादा आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो चलो आज आपको एक ऐसी ही जगह ले चलते हैं जहाँ आप देखोगे तो आप कहोगे इससे बेहतर कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे सिस्टर तैयार हो चुकी हैं, मेरे पापा तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ, मेरे बच्चा पार्टी सब तैयार है, मेरी भाभी जी भैया जी तैयार हो रहे हैं और मम्मी भी तैयार हो चुकी हैं। बस हम लोग गाड़ी का इंतजार करें, गाड़ी आ जाएगी उसके बाद हम निकल जाएंगे अपने सफर में। तो चलो आप लोग मेरे साथ बने रहना, वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मजेदार, तो इसलिए बिना स्किप किए फुल वॉच जरूर करना। तो चलो आगे, मुझे हंसी भी आ रही थी बिकॉज पापा ना खड़े के पापा के सामने बोल रही थी और पापा देख ही जा रहे थे, और पहले उन्हें लगा फ़ोन पे बात हो रही है क्या, फिर उसको समझ गई कि रिकॉर्डिंग कर रही है, वीडियो बना रही है। और यहाँ पे देखो सब तैयार हो चुके, भाभी भी लगभग तैयार ही हैं, और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं और हम जहाँ आना था वहाँ पहुँच भी गए हैं। बस चलो अब आपको धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और आपको धीरे धीरे आगे का दृश्य दिखाते हैं। जो भी मेरे राम भक्त और हनुमान भक्त हों, वीडियो को देखे वो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि सभी प्यारे भक्तों को भगवान के दर्शन हो सकें। तो फ्रेंड्स हम सब पहुंच गए हैं सरयू के किनारे, और ये घाट पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो, जब से योगी सरकार आई है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घाट के किनारे के जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं। नहाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएँ की गई कि लेडीज़ आराम से कपड़े वपड़े चेंज कर, पहले ये सब नहीं था। तो चलो अब सरयू माता के दर्शन भी करो और साथ में भी जो इन्जॉय करो। आज हमारे भतीजे का मुंडन है और हमारे यहाँ मुंडन जो होता है वो सरयू के किनारे, अयोध्या धाम सरयू के किनारे ही होता है। तो यहाँ पे देखो अपने बाबा जी की गोदी में बैठा है कुछ देर, तो उस बाबा जी की क्योंकि रो रहा था, और उसके बाद यहाँ सुप्रिया इस बार उसके, क्योंकि हम लोग के यहाँ रीति रिवाज होता है कि बुआ जो बच्चे का बाल होता है बुआ लेती हैं, तो छोटी बहन का नंबर है क्योंकि फर्स्ट जो मैं बड़े वाले बच्चों की, तो मैंने कहा चलो बच्चों को मैं पकड़ती हूँ तुम कर लो, और उसका भी शौक पूरा जाए क्योंकि मैंने बड़े भैया के बच्चों में पकड़ लिया था, तो इस बार सुप्रिया का नंबर है। तो चलो आप लोग वीडियो में बने रहो, एंजॉय करो और मेरे भतीजे को खूब सारा आशीर्वाद दो। मेरे पापा बाबू को पकड़ नहीं पाए थे तो फिर लास्टली मम्मी को गोदी में लेना पड़ा, दादी फिर गोदी में लेके बैठी हैं। कई बच्चे होते बाल निकलवाते समय काफ़ी ज़्यादा रोते, कई नहीं रोते, तो ये बाबू बहुत रो रहा था, और बच्चे छोटे छोटे थे तो किसी न किसी को सबको एक एक को पकड़ना ही था, तो सब लोग देव बाबू रो रहा है कैसे। और फ्रेंड्स वीडियो में बने रहना, फिर भी हनुमानगढ़ी का भी दृश्य आपको कराऊंगी इसी वीडियो में, तो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें क्योंकि ये इसलिए मैंने इसको स्पीड भी कर दी, बढ़ा दिया है ताकि वीडियो आगे बढ़ जाए। ये फ्रेंड्स ये भी सभी माता आपको भी दर्श कर आशीर्वाद माँ के, और यहाँ पे जो बाल निकलते मुंडन के तो हमारे यहाँ का रीति रिवाज है आटे में उसका और को उस तरीके से बहुत बड़ा चकला टाइप के करके उसमें भर के और उसको बहुत दूर तक फेंकना होता, तो सुप्रिया अपना वही रिवाज निभा रही है। और ये चीज़ बुआ को ही करना होता था, सुप्रिया लगे हाँ तो सब करके फिर उसके बाद हम यहाँ से निकले। तो अब सब कुछ जब हो चुका था तो थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह वीडियोस तो ज़रूरी होता है क्योंकि इतनी दूर आए थे, रोज़ रोज़ आना भी नहीं होता, समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो और इस तरीके से एक मेमोरी भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखा फाइनली हम लोग का पूजा हो गया है कंप्लीट, अभी हम थोड़ा सा सेल्फी टाइम होता ही है तो ले रहे सेल्फी। यहाँ है भाभी जी, बेबी को दिखाना, बेबी का फेस दिखाना। ओए सारे बच्चे सुबह से आ रहे थे तो सब शरारत में भी लगे, देखो सब मुंह बना के आए, यहाँ देखो सिद्धार्थ वहाँ भी रूठ गए थे। उधर देखो सेल्फी हो रही है। ओह माय गॉड, कोबरा माय गॉड। तो फ्रेंड्स ये अयोध्या के रास्ते में आपको देखने मिलेगा, ये जो अभी मंदिर बन रहा है तो जो मंदिर को तोड़ फोड़ के अगल बगल के एरियाज को ठीक करे जा रहे हैं, वो वहाँ का थोड़ा थोड़ा ये दृश्य है जो मैंने
मोबाइल से वीडियो बना लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो देखो इस तरीके से काफ़ी धीरे धीरे इसका रूप रंग चेंज ही हो रहा है। कुछ दिन बाद अगर फिर मेरा अयोध्या जाना हो तो मैं आपको पूरा और प्रॉपरली अच्छे तरीके से दिखाऊँगी, तब तक थोड़ा सा और भी बन जाएगा। अयोध्या पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। और राम जी के मंदिर के लिए करना ही था, क्योंकि हमारे प्रभु का मंदिर जो था। यहाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं हनुमान गढ़ी। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, तो राम भाई पहले हनुमान जी के ही दर्शन करते हैं। तो ये आज बहुत भीड़ थी, 1 बज रहा था। वो कई बार मंदिरें 12 बजे बंद हो जाती, लेकिन आज कुछ बहुत अच्छी ही मतलब मुहूर्त था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हमने 3 बार सीढ़ियों पे चढ़ के बैक हुए हैं कि ना जाऊँ, पापा कहते बच्चे हैं कहीं हाथ ना छूट जाए, क्योंकि बच्चे सारे चंचल इधर भागने रहे। लेकिन होता ना, जब दर्श लिखे होते हैं तो आप मन चल ही जाते हो। फिर 3-4 बार ऐसे हुआ, उसके बाद पापा ने कहा चलो अभी यहाँ तक आ चुके हैं, थोड़ी सीढ़ियाँ चलनी तो आ जाए। तो यहाँ मंदिर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पापा गए अंदर लड्डू चढ़ाने के लिए, और ये बजरंगबली का अंदर वाला सीन है। भीड़ बहुत थी इसलिए अंदर जाके बजरंगबली को नहीं दिखा पाते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी खाली समय में जाके, क्योंकि आज भीड़ बहुत थी, बच्चे वो भी साथ में थे। तो चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, मुंडन संस्कार और प्रभु के दर्शन के साथ यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी। मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियो को एंजॉय करते रहें। बाय।